देखिए तमाम सियासी हलचल के बीच इस वक्त हमारे साथ माले विधायक महबूब आलम मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से तमाम सियासी हलचल जो है वो मचा हुआ है, कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम सकते हैं। जो जिम्मेदार प्राधिकार है, माननीय मुख्यमंत्री है, उसको सामने आके बिहार की जनता को एड्रेस करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की भी दूरियाँ सुबह में नजर आई है कार्यक्रम के दौरान। मैंने तो वो देखा नहीं, अब नॉर्मल कोर्स में कभी कभी होता है। अभी हम ही चले आ रहे थे, आपने मुझे पकड़ लिया, ऐसी बात नहीं है कि मेरी उपेक्षा हो रही है, ऐसी तो मैं नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन क्या लगता है सर कि एनडीए के साथ अगर जाएंगे तो फिर आरजेडी का क्या? आरजेडी का क्या होगा? आरजेडी संघर्ष की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है। अगर ऐसी कोई संभावना बनती है तो सरकार बनाने का दावा आरजेडी करेगी। आरजेडी ने भी कहा है कि सब कुछ क्लियर करे सीएम नीतीश को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चाहता हूं तो स्पष्ट हो जाए, भ्रम में जनता क्यों रहेगी? हमारी प्रतिबद्धता, हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। जनता ने हमको यहां तक पहुंचाया, इसलिए ये जो असमंजस की स्थिति है इसको स्पष्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल कि अगर मान लीजिए कि एनडीए के साथ सीएम नीतीश कुमार चले जाते हैं, अभी तो कयासों का बाजार गर्म है, तो उसके बाद इंडिया अलायंस का क्या होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा पहल करने वाले मोदी की जबान बोलते हैं, इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस है, नो दैट इज यू आर लाइक टू इंसल्ट अस। नहीं नहीं सर, नो नो, हियर इज आवर इंसल्ट। आप देखिए, पत्रकारिता का एक सक्षम धरा है, तो मोदी की जुबान क्यों आप अपने जुबान में लाते हैं? दिस इज इंडिया गठबंधन। जी सर, इंडिया। हाँ जी जी, मैं क्या बोल रहे थे? हाँ, इंडिया गठबंधन का फिर क्या होगा? क्योंकि अरे इंडिया गठबंधन तो है ना, अभी गठबंधन तो अभी है ही, गठबंधन में दरार डालने की कोशिश कर रही है भाजपा, ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, पुलिस के जरिए, और तमाम जो उनके पास ताकतें हैं। आप देख रहे किस तरह से झारखंड में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और दरार डाल करके, डर पैदा करके वो अपने तरफ लाने की भी कोशिश है उनके। वो तो वॉशिंग मशीन है, वो तमाम भ्रष्ट लोगों को धोने का तो काम है उसके पास। लेकिन अभी ये कामयाब नहीं होगा। चलिए, तो देखिए हमारे साथ माले विधायक महबूब आलम थे और उनसे बातचीत हो रही थी, क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।